ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने आकर हम सभी को संपूर्ण पवित्र बनने के लिए बहुत श्रेष्ठ प्रेरणाएं दी हैं। हम पवित्र थे, अपने पवित्र स्वरूप की स्मृति हमारे अंदर पवित्रता के बीज अंकुरित करती है। हम परम पवित्र आत्माएं हैं, इससे अपवित्रता के सभी कीटाणु मर जाते हैं। हम देव कुल की संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं, इस स्मृति से पवित्रता को धारण करने का बल प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी बाबा को संपूर्ण पवित्रता का वचन दे दें। और शक्तिशाली वही है, बाबा से वफादार वही कहलाएगा जो एक बार बाबा को वचन देकर उसे वापिस न ले। तो संकल्प करें, हम जिस पथ पर एक बार चल पड़े, निकल पड़े, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। चाहे मार्ग कितना ही कटीला विषैला क्यों न हो, लेकिन यही हमारा मार्ग है और यही हमें श्रेष्ठ मंजिल पर पहुंचाएगा। तो हमें अपने अंदर पवित्रता का बल बढ़ाते चलना है। कैसे बढ़ेगा ये बल? बार बार देही अभिमानी होने का अभ्यास करने से, बार बार स्वमान में स्वयं को स्थित करने से, और बहुत अच्छा योग अभ्यास करने से। अपने संकल्पों में भी बहुत दृढ़ता रहे। और चौथी बात है, दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखने से। देहिक दृष्टि देह का आकर्षण पैदा करती है, और क्योंकि सभी के देह पतित हैं, तो पतितपन के वाइब्रेशंस हमारे अंदर भी आने लगते हैं। इसलिए जिनको संपूर्ण पवित्र बनकर प्रकृति को पावन करना है, जिन्हें संपूर्ण पवित्र बनकर वायुमंडल को पवित्र करना है और संपूर्ण योगी बनना है, वे दृढ़ संकल्प कर लें, हम केवल आत्मा को ही देखेंगे। और सबको आत्मा देखते हुए उन्हें पवित्र वाइब्रेशंस भी देंगे, इससे हमारा भी फायदा होगा, उनका भी बहुत फायदा होगा। हम पवित्रता के इस मार्ग पर चलते चलते इसमें छोटी मोटी जो बातें आती हैं उनसे घबराएंगे नहीं। मान लो देह का आकर्षण होता है, आपको व्यर्थ संकल्प चलते हैं, आपको स्वप्नों में कोई डिस्टरबेंस होता है, ये इस मार्ग पर आने वाले बैरियर्स हैं, और ये आएंगे ही, क्योंकि हमें आत्मा और शरीर दोनों को क्लीन करना है। इन्हें विदाई देते चलें, अपने को निराश बिल्कुल न करें। जब निगेटिव संकल्प आए उन्हें पॉजिटिव संकल्पों में बदलते चलें, जब इम्प्योर संकल्प आए तब स्वयं को स्वमान में स्थित करते चलें। और सवेरे उठकर रोज योग अभ्यास बहुत अच्छा करें। जो आत्माएं सवेरे उठकर योग अभ्यास करती हैं, अच्छा योग लगाती हैं, थोड़ा प्रकृति के शीतल वायुमंडल में भ्रमण करती हैं, उनमें पवित्रता का बल बहुत बढ़ता जाता है। उनकी अपवित्रता धीरे धीरे समाप्त होती जाती है, कर्म इंद्रियां शीतल होती जाती हैं, बिल्कुल वश में होती जाती हैं। तो हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे सारा दिन इस स्वमान का, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ या पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैंने इस देह में अवतार लिया है इस संसार को संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए। हमें जब अपने इस महान कार्य की स्मृति रहती है तो पवित्र बनने का बहुत ज्यादा बल रहता है। चारों ओर भले ही हमारे अपवित्र वातावरण है, गंदी दुनिया है, इसमें कोई संशय नहीं,
कि चारों ओर की गंदगी, चारों ओर का अंधकार किसी पर भी असर डाल सकता है, परंतु हम लाइट हाउस हैं, अंततः हमारा प्रकाश ही सबको प्रकाशित करेगा। तो आज बार बार स्वयं को देही अभिमानी बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और परमधाम में जाकर पवित्रता के सागर के पास बैठेंगे, कुछ देर के लिए उनके वाइब्रेशंस के नीचे बैठेंगे, ताकि पवित्रता के सागर के वाइब्रेशंस हम में समा जाएं। फिर वापिस आएंगे इस संकल्प से कि मैं आत्मा इस तन में आई हूं इस संसार को पावन बनाने के लिए। ये ड्रिल करते रहेंगे और बहुत हिम्मत, उमंग, उत्साह के साथ जीवन की यात्रा में आगे बढ़ेंगे, तो हमारी पवित्रता इस संसार को पवित्र बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। और सबको ज्ञात ही है, पवित्र आत्माओं को ही प्रभु प्रेम प्राप्त होता है। ओम शांति। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।